One second. Stop recording button. हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आफ्टर लॉन्ग टाइम। आज की वीडियो मैं बहुत दिनों बाद लाई हूँ और अगर बैकग्राउंड नॉइस है तो उसके लिए वेरी सॉरी। तो चलिए हम बात करते हैं आज की वीडियो की। तो आज की वीडियो का टॉपिक है फाइनली हमें एंड्रॉयड 12 अपने फ़ोन में मिल गया है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि एंड्रॉयड 12 में टॉकबैक में क्या क्या फीचर्स आए हैं और सबसे खुशी की बात तो यह है कि अब टॉकबैक में सैमसंग यूज़र्स के साथ साथ रेडमी यूज़र्स को भी मल्टी फिंगर जेस्चर्स मिल जाते हैं देखने को भी ऑफिशियल वर्जन के टॉकबैक में, वो भी बिल्कुल फ्री एंड्रॉयड 12 में। तो आज मैं आपको उन्हीं के बारे में बताऊंगी और कैसे हम उसे यूज़ करें इन सब करने बताऊंगी। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट करें हम आज की वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले ऑलवेज इंट्रोडक्शन, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करिए, वीडियो को भी ज़रूर लाइक कीजिए और हमारी वीडियोस को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए ताकि हमारी इंफॉर्मेटिव वीडियो हर लोग के और भी लोग के पास भी पहुंच पाए। तो चलिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि टॉकबैक के नए फीचर्स की। जहाँ तक मैंने देखा, मुझे टॉकबैक में बस दो ही नए फीचर्स मिले हैं, एक तो मल्टी फिंगर जेस्चर्स और एक कस्टमाइज फोकस इंडिकेटर। मैं दोनों की बात करूंगी। तो सबसे पहले फोकस इंडिकेटर तो पार्शली इसके लिए होता है, जिन्हें दिखता है तो वो लोग इसका यूज़ कर सकते हैं कि अगर हम कहीं भी फोकस आए तो उसके इंडिकेटर का कलर क्या हो, अगर कुछ हाईलाइटेड हो तो उसका बॉर्डर हो ऑन, मतलब वो हाईलाइटेड दिखे। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें कौन कौन से कलर्स हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊँगी मल्टी फिंगर जेस्चर के बारे में। तो ये सब देखने के लिए हम चलते हैं टॉकबैक सेटिंग्स में। टॉकबैक मेनू, कॉपी लेफ्ट, स्टॉप, वाइब्रेशन, स्क्रीन सर, हाई स्क्रीन, वॉइस कमांड्स, टॉकबैक सेटिंग्स, टॉकबैक सेटिंग्स, नेविगेट अप बटन ऑन द लिस्ट। आ चुके हैं टॉकबैक सेटिंग्स में और हमें अपना पहला फीचर देखना है जो है कस्टमाइज फोकस इंडिकेटर। कस्टमाइज फोकस इंडिकेटर। तो कंट्रोल्स में पहले आता था कस्टमाइज जेस्चर्स, फिर आता था मेन्यू, लेकिन अब पहले आता है कस्टमाइज फोकस इंडिकेटर, फिर आता है जेस्चर्स एंड देन मेन्यू। तो हम जेस्चर्स में भी जाएंगे बिकॉज मल्टी फिंगर जेस्चर्स इसमें ही हैं। तो हम जल्दी से चलते हैं फोकस इंडिकेटर देख के। कस्टमाइज फोकस इंडिकेटर आउट ऑफ लिस्ट। तो हम आ चुके हैं कस्टमाइज फोकस इंडिकेटर में। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है थिक बॉर्डर्स, नेविगेट अप बटन, थिक बॉर्डर्स ऑन, स्विच, एंड लिस्ट। ये आपका ऑफ रहता है, तो इसका मतलब होता है कि अगर हम कोई टॉकबैक चला रहे हैं और कोई चीज हाईलाइटेड हो तो वो हाईलाइटेड में दिखे, तो ये ऑन है, ये पार्शली ऑन कर सकते हैं। अब हम फोकस इंडिकेटर के बारे में देखते हैं। कलर हेडिंग, कलर, हमें देखने की फोकस इंडिकेटर का कलर क्या है। नॉट सिलेक्टेड, रेडियो बटन डिफॉल्ट, डिफॉल्ट, नॉट सिलेक्टेड, रेडियो बटन रेड, not selected radio button orange, red orange, not selected radio button yellow, yellow, not selected radio button green, green, selected radio button blue, blue, ये blue मैंने select करा है, not selected radio button gray, gray, stop recording button out of list with a screen recorder। इतने colors हैं, तो इसमें से आप कोई भी color choose कर सकते हैं। अगर आप partially है तो आपको जो भी इसमें से favorite color है वो choose कर सकते हो, नहीं तो आप इसे default ही रहने दे सकते हैं ताकि आपका focus जिस भी जगह पे जाए वो indicator में आपका color show करे। तो फोकस इंडिकेटर का सिंपली मतलब बताइए ही। और अब हम अपनी नेक्स्ट इसकी और चलते हैं जो है मल्टी फिंगर जेस्चर, जिसका मैं आपको यूज़ करके भी दिखाऊंगी और जिसका एंड्रॉयड 12 है उसे टॉकबैक 13.1 वाले वर्जन में ये जेस्चर्स पक्का ही मिले होंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं कस्टमाइज जेस्चर्स में। हम कस्टमाइज जेस्चर्स में आ चुके हैं और हम है मल्टी फिंगर जेस्चर्स को देखने के लिए स्क्रॉल करेंगे। ओके, तो हमारा लास्ट सिंगल फिंगर जेस्चर होता है स्वाइप राइट दैट डाउन, उसके बाद हमारे एक हेडिंग आती है टू फिंगर्स। तो इस टू फिंगर्स के जेस्चर में हमारा सबसे पहला जो जेस्चर है वो है टैप विद टू फिंगर्स, पॉज और रिज्यूम स्पीच। टैप विद टू फिंगर्स, अगर हम दो फिंगर से टैप करें तो क्या हो। डबल टैप विद टू फिंगर्स, प्ले और पॉज मीडिया। अब अभी मैं आपको सारे जेस्चर दिखा देती हूँ, उसके बाद मैं आपको एक जेस्चर कस्टमाइज करके दिखाऊंगी, तो उस के बाद मैं यूज करना सिखाऊंगी। ओके, तो
हमारा सेकंड जेस्चर है डबल टैप विद टू फिंगर्स। डबल टैप विद होल्ड विद टू फिंगर्स स्टार्टर एंड सिलेक्शन मोड। ये बाय डिफॉल्ट सेट है, हम इन्हें कस्टमाइज कर सकते हैं और आपको जैसे कस्टमाइज करना तो आता ही होगा। ट्रिपल टैप विद टू फिंगर्स रीड फ्रॉम नेक्स्ट आइटम। ट्रिपल टैप विद होल्ड विद टू फिंगर्स टर्न स्पीच ऑन ऑफ। Swipe up with two fingers, scroll up, not swipe down with two fingers, scroll down, not customizable, disabled. तो ये जो हमारे चार जेस्चर है, swipe up with two fingers, swipe down with two fingers, swipe left with two fingers, scroll left, not customizable, disabled. Swipe left with two fingers and swipe right with two fingers. ये जेस्चर हम कस्टमाइज नहीं कर सकते क्योंकि ये स्क्रोलिंग के लिए ही काम आएंगे। Swipe right with three fingers, heading. अब three fingers head आ गया। Tap with three fingers, open top back menu. Tap with hold with three fingers, screen search. Double tap with three fingers, copy. Double tap with hold with three fingers, cut. Triple tap with three fingers, paste. Triple tap and hold with three fingers, tap to assign. Swipe up with three fingers, previous reading control. Swipe down with three fingers, next reading control. Swipe left with three fingers, previous reading control. Swipe right with three fingers, next reading control. Four fingers, heading. अब four fingers आ गया. Tap with four fingers, practice gestures. Double tap with four fingers, open tutorial. Double tap and hold with four fingers, pass through system gesture. Triple tap with four fingers, tap to assign. Swipe up with four fingers, previous window. Swipe down with four fingers, next window. Swipe left with four fingers, tap to assign. Swipe right with four fingers, tap to assign. Stop recording, button out of list. तो इतने हमारे new gestures आए हैं, two fingers से लेकर four fingers तक। तो ये मैंने आपको बता दी gestures। अब मैं जल्दी से आपको इन gestures को try करके दिखाऊंगी। तो मैं एक gesture choose करती हूँ। Swipe right with three fingers, next reading control. Double tap and hold with three fingers, cut. Double tap with three fingers, copy. Okay, तो मैं यही वाला जेस्चर आपको परफॉर्म करके दिखाऊंगी, डबल टैप विथ थ्री फिंगर्स। जिसके लिए आपको थ्री फिंगर्स लेनी है और वेट, ये थोड़े डिफिकल्ट होते हैं मल्टी फिंगर जेस्चर, बट इट्स ओके। No text to copy. Select some text first. Okay, तो इसने बोला no text to copy. Three fingers, tap to assign. Select some text first, क्योंकि आपको text नहीं था। तो मैं आपको एक जस्ट कस्टमाइज करके दिखाती हूँ। Double tap with three fingers, copy. इसके अंदर double tap with three fingers. Select all and list. Tick, copy, cut. Tick, change spoken language. Turn speech on. Pause or resume. Read from next item. Read from top. Reading, heading. Hold accessibility shortcut. Overview. Back. Home. System. Scroll right. Scroll left. Scroll up. Scroll forward. Scroll back. Next win. Previous win. Focus. Focus on. Next item. Focus on first item. Next. Touch and hold. Tap. Basic navigation. Scroll up. Scroll. Back. Overview. No. Quit. All app. Accessibility shortcut. एक दिन मैं आपको. Talk backs. Triple tap with three fingers. Double tap and hold with three fingers. Double tap with three fingers. Copy. Tap and hold with three fingers. Screen search. Tap with three fingers. Open talk back menu. Three fingers. Heading. Okay. तो मैं आपको ये वाला जैसे परफॉर्म करके खाती हूँ, टैप विद थ्री फिंगर्स वाला। तो देखिए स्पीच रेट शोइंग कोड स्क्रीन सर्च एडिटिंग सर्च टर्म एडिट बॉक्स आउट ऑफ लिस्ट। एक स्क्रीन सर्च खुला है लेकिन हम इसे बैक कर देंगे। कीबोर्ड हिडन सर्च रिजल्ट लिस्ट स्पीच रेट 90% क्लोज नेक्स्ट स्क्रीन क्लोज टॉक बैक सेटिंग्स थ्री फिंगर्स हिडन एंड लिस्ट। Swipe right with two fingers, scroll right, not cuss. Double tap and hold with two fingers. Double tap with two fingers, play or pause media. Okay. Double tap with two fingers, select all and list. हम इस वाले gestures में गए, double tap with two fingers, अब हम इसमें कुछ रखते हैं. Navigate, open to, practice gestures. Stop recording. Tick, flip, other, switch, copy, left, stop, paste. Cut, copy, select all, double tap with two fingers. Tick, play or pause, other, heading. Copy, left, other, heading. Switch to braille keyboard. Previous reading control. All apps. Quick setting. Notification. Overview. Back. Overview. Notifications. रख लेते हैं। Talk back settings. Double tap with two fingers. Notifications and list. हमने ये रख लिया और अब हम two fingers से double tap करते हैं। Notification shade. Selected. Geo4G Geo out of list. और हमारे notification shade खुल चुकी है। Back button. Talk back settings. Double tap with two fingers, notifications, and list. तो ऐसे ही हम इसे जो है सारे जस्टिस को हम लोग परफॉर्म करेंगे। तो ऐसे मैं इस पे आपको कुछ और रख के दिखाती हूँ। एक बार फोर फिंगर जस्टर पे। Swipe up with three fingers, swipe down with three fingers, next tap with four fingers, practice gestures. इस पे हम जाएंगे और four fingers, tap with four fingers, practice gestures. Double tap with four fingers, open tutorial. Double tap. Copy left spoken free. Switch to other. Player. Start for screens. Pass through system. Show custom. Navigate the braille display settings. Show custom actions. Tick. Open to the tour. Practice gesture. Stop recording. मैं इस पर रख देती हूँ टॉकबैक मेन्यू।
Basic navigation. Tap to assign. Double tap. Tap. Basic. Tab. Touch and premium. Next. Focus. Focus. Premium. Next. Scroll. 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 Scroll right. System app. Home. Back. Over. Note. Quick set. All app. Access. Hold it. Reading. Heading. Read. Read. Pause. Turn speech. Change spoke. Menu and can. Open talkback menu. Talkback settings. Double tap with four fingers. Open talkback menu and list. तो इसमें मैंने रख दिया open talkback menu और अब मैं double tap करूँगी four fingers से. Talkback menu. Copy last spoken phrase and list. तो ये talkback menu खुल गया. तो अब हम इसे close कर देते हैं. Cancel. Talkback settings. Double tap with four fingers. Open talkback menu and list. तो ये था multi finger gestures. I hope कि आपको ये video अच्छा लगा होगा और इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप सजेशन दे सकते हैं कि आपको किस किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए. आपको टेलीग्राम ग्रुप और चैनल का लिंक भी अबाउट पेज में मिल जाएगा, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं. और अपना सपोर्ट बनाने के ऐसे ही रखिए और चैनल को सब्सक्राइब करें. आपको लैपटॉप पे भी किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे बताइएगा. और आप मुझे ये भी सजेस्ट कीजिए कि मैं कैल्क कैसे यूज़ करते हैं लैपटॉप पे, तो उसके लिए वीडियो लाऊं या नहीं लाऊं, और भी न्यू न्यू टॉपिक्स आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं. तो आज की वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच. शेयर इस वीडियो को ज़रूर कीजिएगा. तो आज की वीडियो में बस इतना ही. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.